दिनों क्षेत्रीय लोग पंच बद्री में से एक आदि बद्री धाम से शराब की दुकान हटाने को लेकर अभियान चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि आदि बद्री क्षेत्र में अबकारी विभाग द्वारा खोली गई शराब की दुकान धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे भक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं लोगों ने शराब कारोबारियों पर संघर्ष समिति के लोगों को डराने धमकाने का भी आरोप लगाया है। आदि बद्री में चल रही शराब की दुकान के खिलाफ आज शराब विरोधी समिति ने बैठक की, जिसमें लोगों ने शराब की दुकान बंद करने की मांग की। महिला मंगल दल क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि इससे आदि बद्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। वह स्कूली बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर शराब की दुकानें रहेंगी तो बच्चा भी इसके शिकार होंगे, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बैठक के बाद शराब विरोधी समिति के लोगों ने आज आदि बद्री धाम की सड़कों पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शराब माफिया और आबकारी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं लोगों का कहना है कि जब तक शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी तब तक विरोध जारी रहेगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जो पंचबद्रियों में अपना प्रथम स्थान रखता है, यहाँ पर अंग्रेजी की शराब की दुकान शासन द्वारा खोली गई है, जिसका कि हम सब लोग इस क्षेत्रवासी, यहाँ के मंदिर समिति के पदाधिकारी, यहाँ के व्यापारी भाई, मात्र शक्ति की ओर से हम इसका कठोर विरोध करते हैं। और जब तक ये दुकान बंद नहीं होती है, ये दुकान यहाँ से इसका शटर डाउन नहीं होता है, तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। अपने जो हमको भारतीय संविधान ने हमको अधिकार, मौलिक अधिकार दिया हुआ, हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है, उन अधिकारों का उपयोग करते हुए हम किसी भी स्तर तक हम इसका बहिष्कार करेंगे। और तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक कि शासन प्रशासन की आंख न खुले और इन जो पवित्र धामों को अपवित्र करने का जो प्रयास किया जा रहा है इसमें वो विफल होंगे, ऐसा हमारी कामना है। और हमारी जितनी भी मातृशक्ति है, सारी मातृशक्ति की एक ही भावना है कि ये अविलंब, ये तुरंत ये दुकान बंद होनी चाहिए, धाम को पवित्रता उसकी बरकरार रखे। आदि बद्री धाम के समीप जो दुकान खुली है अंग्रेजी शराब की, हम पूरे क्षेत्रवासी इसका घोर विरोध करते हैं। हमारा जो नंदा देवी राजजात का मार्ग है, उससे ये बहुत निकटतम रूप से ये दुकान खुली हुई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये सरकार का आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा तोहफा है जो उनके लिए नासूर साबित होगा, तो इस तरह से ये दुकान यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में हम सभी लोग इसका घोर